हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। लास्ट क्लास में हम लोगों ने मेलचिम्प के बारे में डिस्कशन किया था और मेलचिम्प का इंट्रोडक्शन हम लोगों ने ब्रीफली लिया था, है ना। मैंने आप सभी लोगों को सारी चीज बताई थी कि किस तरीके से आप लोग अपनी ईमेल लिस्ट में कॉन्टेक्ट्स को ऐड करोगे, किस तरीके से नए नए सब्सक्राइबर्स को आप ऐड करोगे, किस तरीके से आप टैम्पलेट डिजाइन करोगे, किस तरीके से आप लोगों को टेस्ट मेल सेंड करना है, ठीक है ना। इसी के साथ साथ मैंने ये भी बताया था कि अगर आपके पास डेटा किसी एक्सेल फॉर्मेट में अवेलेबल है तो आप उसको एक काम कर लीजिए कि एक्सेल फॉर्मेट से पहले उसको सीएसवी फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लीजिए, और जब वो सीएसवी फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाएगा देन उसके बाद आप क्या करेंगे, उसको अपलोड कर देंगे, है ना। तो अलग अलग रास्ते हम लोगों ने देखे थे उस दिन किस तरीके से हमें सब्सक्राइबर ऐड करें। सब्सक्राइबर्स को ऐड करना ईमेल मार्केटिंग में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ये है कि किस तरीके से आप लोग अपना ईमेल का फॉर्मेट डिजाइन करते हो, बिकॉज कस्टमर के पास जो ईमेल जा रही है, जो फॉर्मेट ईमेल का जा रहा है, वो फॉर्मेट अगर अट्रैक्टिव नहीं हुआ तो जाहिर सी बात है कस्टमर उसको पढ़ेगा नहीं, और ना ही कस्टमर उसको पढ़ने में इंटरेस्ट लेगा। तो दो चीजें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पहला तो सब्सक्राइबर्स को ऐड करना, दूसरी चीज एक अच्छा टैम्पलेट डिजाइन करना। इस पूरे ट्रेनिंग के दौरान अभी एक चीज हमें जो नेक्स्ट सीखनी है वो ये है कि किस तरीके से मेलचिम्प के अंदर हम लोग साइन अप फॉर्म डिजाइन करेंगे। तो आज की क्लास का मेन जो ऑब्जेक्टिव रहेगा वो ये रहेगा, साइन अप फॉर्म क्रिएशन इन साइड मेलचिम्प, यानी किस तरीके से आप लोग को एक साइन अप फॉर्म क्रिएट करना है मेलचिम्प के अंदर। तो आप लोग पहले मेलचिम्प का अपना अकाउंट लॉगिन कर लीजिए। जिन लोगों ने अकाउंट ही नहीं बनाया हो तो उनको पहले साइन अप करना पड़ेगा। जब आप लोग भी करेंगे तो उसको आई विल डू दिस लेटर कर देना, सिक्योरिटी रीजन से लास्ट क्लास में बताया था मैंने, बाद में सब कर लिया जाएगा। यहाँ पर आप एक चीज देख सकते हैं, यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा फॉर्म क्रिएशन का। होपफुली काफी सारे लोगों ने, हो सकता है शायद इसको एक्सप्लोर भी किया हो। ऑडियंस के अंदर जब आप जाएंगे तो जो भी ऑडियंस आपने ऐड करी है उस ऑडियंस को देखो, मैंने दो टैग्स के बेस पे जज किया था। एक मैंने बोला था कि मेरे कानपुर के क्लाइंट होंगे, एक मैंने बोला था कि मेरे लखनऊ के क्लाइंट होंगे। तो यहाँ पर कानपुर के क्लाइंट कितने हैं ये देखने के लिए डायरेक्ट, अच्छा जैसे कि आप एक काम कर सकते हैं, मान लीजिए कानपुर के क्लाइंट को ही स्पेसिफिकली कोई मेल भेजनी है तो डायरेक्ट यहाँ से भेज सकते हैं, है ना। और इसी ऑडियंस को हम लोग फेसबुक और इंस्टाग्राम के थ्रू भी रीच कर सकते हैं, केवल यही हमारा ऐड देखेंगे। यहाँ पे एक ऑप्शन आप लोग देखोगे साइन अप फॉर्म करके, एक ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे आपके पास, एक ऑप्शन आ रहा है फॉर्म बिल्डर करके। तो फॉर्म बिल्डर का यूज करके एक अच्छा फॉर्म आप लोग डिजाइन कर सकते हो। अगर अभी हम आपको फॉर्म बिल्डर का यूज करके दिखाएं तो आप सभी लोग एक चीज जरा समझिएगा कि होगा क्या। जैसे फॉर्म एंड रिस्पॉन्स ईमेल्स का एक ऑप्शन आ रहा है, तो यहाँ पर हमने बोला कि इस सारी लिस्ट को एक बार पढ़ लेना आप लोग और अपने हिसाब से, अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से ऑप्शन को चूज कर लेना। बाय डिफॉल्ट यहाँ पर एक ऑप्शन आ रहा है साइन अप फॉर्म का, तो उसको लगा रहने देते हैं, क्योंकि हम ये जो फॉर्म बना रहे हैं बेसिकली इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि लोग हमारे पास साइन अप करें, लोग हमारे पास अपनी डिटेल छोड़ करके जाए। और इस फॉर्म का जो यूआरएल है, ये मतलब किसी को भी आप डायरेक्ट ये यूआरएल भेज करके उससे फॉर्म भरवा सकते हो, और उसके द्वारा वो जो लीड्स आएंगे वो डायरेक्ट मेलचिम्प के अंदर रिकॉर्ड हो जाए। एक डमी फॉर्म इन्होंने यहाँ पे बना के दे दिया है। वर्डप्रेस में जिस तरीके से आप लोगों को एलिमेंटर का यूज सिखाया गया था, उसी तरीके से यहाँ पर भी आपको अलग अलग तरह के ऑप्शन जो दिख रहे हैं, इन ऑप्शन का यूज करके फॉर्म बनाना होगा। समझ नहीं मेरी बात? तो आप लोग जैसा भी चाहें, जो भी चाहें, उस तरीके की फील्ड यहाँ से चूज कर लीजिएगा। एड अ फील्ड में जा करके उसके अकॉर्डिंग आप अपना फॉर्म डिसाइड कर लेंगे। यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है जैसे कि मैंने यहाँ लिख रखा है फिल योर डिटेल्स हेयर नाउ, आप इसको एडिट भी कर सकते हो और इसकी जगह पे कोई दूसरा मैसेज भी डाल सकते हो। क्लियर है? आप लोग चाहें तो ऊपर कोई हेडर में, फुटर में, सॉरी हेडर में कोई एक इमेज वगैरह भी ऐड कर सकते हैं। काफी सारे अलग अलग ऑप्शन आ रहे हैं, ये सारे ऑप्शन से आप लोग ऑलरेडी गो थ्रू कर चुके हो एलिमेंटोर के अंदर, तो होपफुली कोई ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। ये सारे ऑप्शन यूज करके देख लेना, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, फॉन्ट साइज एंड ऑल। सॉरी, अभी देखो यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है ईमेल एड्रेस, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम। एड्रेस जो है वो हिडन रहेगा, फोन नंबर जो है हिडन रहेगा, बर्थडे दिखेगा, ठीक है ना। और नीचे एक बटन आ जाएगी सब्सक्राइब की। ये स्क्रीन पर प्लीज इस तरह की चीजें आप लोग ड्रॉ मत करा करिए, ये समझदारी का परिचय बिल्कुल भी नहीं होता है।
हाँ ठीक है, अभी आप एक चीज बहुत ध्यान से देख सकते हैं, क्योंकि हम लोग फॉर्म तो बना चुके हैं अब, क्योंकि आप लोगों ने इसका पेड वर्जन तो लिया नहीं है, फ्री वर्जन आप यूज कर रहे हैं, तो मेलचिम हर जगह पर अपनी ब्रांडिंग खुद की करेगा ही करेगा। आप चाहे किसी को भी फॉर्म भेजें या फिर आप चाहे किसी को कोई भी चीज भेजें, नीचे मेलचिम का लोगो आएगा ही आएगा। ये जो आप लोग मेल का टेम्पलेट बना रहे हैं तो उसमें भी सेम यही बात थी कि नीचे मेलचिम का लोगो जाएगा ही जाएगा जब ईमेल भेजोगे, ठीक है ना। अब यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है डिजाइन इट, या फिर एक ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे ट्रांसलेटेड, तो ये अलग अलग तरह के ऑप्शन है। बैकग्राउंड कैसा रखना है, बैकग्राउंड को यहाँ से चेंज कर सकते हो, ये सब चीजें आप लोग को आती ही हैं, कैसे आपको क्या करना है यहाँ पे, है ना। तो हालांकि जो पहले था वो ज्यादा बेटर लग रहा था। मैं इसको व्हाइट कर देता हूँ, ठीक है ना, ओके, यही बेटर लग रहा है। अभी एक काम करना है, ये जो यूआरएल आपको मिला है ना, या फेसबुक के थ्रू या ट्विटर के थ्रू, या फिर आप एक काम कर लेते हैं, इसका क्यूआर बना सकते हैं, है ना, और ये क्यूआर लोगों को भेज सकते हैं कि डायरेक्ट लोग इस क्यूआर को स्कैन करें, अपना फॉर्म भर दें, ठीक है। मान लीजिए आपने किसी भी पर्सन को ये यूआरएल उठा के दे दिया, जैसे मैंने इस यूआरएल को कॉपी किया, मैं व्हाट्सएप पे गया और मैंने आप ही लोगों के ग्रुप पर ईमेल मार्केटिंग वर्कशॉप का जो आपका ग्रुप है उसमें जाकर के ये लिंक शेयर कर दिया। अब आप में से कोई भी बच्चा अगर इस लिंक को ओपन करता है और इस लिंक को ओपन करके उसके सामने ये फॉर्म खुल जाएगा। मान लीजिए यहाँ पर ईमेल एड्रेस मैंने डाला रजत तिवारी 5678@gmail.com, और मैंने यहाँ पे लिखा फर्स्ट नेम में रजत और लास्ट नेम में तिवारी, मंथ डाला 11 और डेट डाली 08, ठीक है, और यहाँ से मैंने सब्सक्राइब कर दिया। यहाँ पे आई एम नॉट अ रोबोट करना पड़ेगा, सब्सक्राइब करना पड़ेगा, और यहाँ पे लिख के आ रहा है ना योर सब्सक्रिप्शन टू योर लिस्ट हैज बीन कंफर्म, मतलब ऑटोमेटिक उस बंदे की जो डिटेल है वो आपके ऑडियंस लिस्ट में ऐड हो गई। अगर ऑल कॉन्टेक्ट में जाके देखोगे तो यहाँ पे देख सकते हो, होपफुली सबको क्लियर हो गई होगी बात कैसे करना होगा, ठीक है ना। एडिट प्रोफाइल यहाँ से कर सकते हो, मान लो बाद में अगर आपको अगर याद आ गया कि उसका कोई डिटेल जो कि नहीं भरा हुआ है, तो बाद में यहाँ से भी आ करके आप ऐड कर सकते हो उसको, ठीक है ना। तो ये असल में बात है, क्लियर है। अच्छा एक रास्ता और, ये फॉर्म आपने बना तो लिया, लेकिन आप अगर ये चाहते हो कि आपको ये फॉर्म अपनी वेबसाइट में इंटीग्रेट करना है, तो आपको यहाँ से फॉर्म बिल्डर से काम आपका नहीं चलेगा, आपको एक ऑप्शन दिखेगा एम्बेडेड फॉर्म करके, इस एम्बेडेड फॉर्म वाले ऑप्शन को आपको यूज करना है। यहाँ से सेलेक्ट पे जाइएगा और एक बेसिकली वी आर गोइंग टू एम्बेड द फॉर्म, हम क्या करने जा रहे हैं, फॉर्म एम्बेड करने जा रहे हैं। फॉर्म फील्ड में जाइए, जो फील्ड रखनी है या नहीं रखनी है वो यहाँ से इनेबल या डिसेबल करा जा सकता है, ठीक है ना। सेटिंग्स में जाइए, विड्थ वगैरह कैसे क्या रखनी है ये सब तो आप लोग कर ही लेंगे होपफुली, क्योंकि आप लोग इतना वेबसाइट डेवलपमेंट के अंदर एलिमेंटर पढ़ करके आए हैं। टैग कॉन्टेक्स्ट का मतलब है केवल कानपुर क्लाइंट्स को भेजना है या केवल लखनऊ क्लाइंट्स ही इसको भर सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। टैग देंगे, रेफरल बैज दे सकते हैं, मान लीजिए कोई रेफरल आप यहाँ पे लगाना चाहते हो कि मतलब किसी ने आपको ये लिंक दिया है तो आप फॉर्म भर रहे हो, बदले में आपको इतने परसेंट का डिस्काउंट मिलेगा यू एंड ऑल, तो इसके लिए अपग्रेड कराना पड़ेगा, यानी पेड वर्जन लेना पड़ेगा। अब यहाँ से आप कंटिन्यू करिए, अब जब आप कंटिन्यू करेंगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन आपको दिख जाएगा योर फॉर्म इज रेडी करके आएगा, और यहाँ पर आपको एक कोड दे देगा, इस कोड को सिंपली उठा करके आपको कॉपी करना है और अपने वेबसाइट में लगा देना, ठीक है। ये बेसिकली एक तरह का HTML का कोड, हम क्या करेंगे यहाँ से इसको अपनी जो हम लोगों ने डमी वेबसाइट बनाई थी इन्फिनिटी फ्री का यूज करके luxitehub.kshif.com करके, जो कि प्रीवियस क्लास में आपको सिखाया जा चुका है, उस वेबसाइट को ओपन करिए और वहां पे इस लिंक को पेस्ट करिए। जो भी ट्यूटोरियल आप लोग का मिस हो जाता है यूट्यूब पर एकदम मैं उसको डाल देता हूँ तुरंत के तुरंत, तो आप लोग उसको देख लिया करो, ठीक है ना, प्लेलिस्ट में जा करके। यहाँ पर कॉन्टेक्ट अस में जाया करो, मान लीजिए मैं अबाउट अस में, या फिर देखो ये एक फॉर्म मैं ऑलरेडी लगा चुका हूँ, आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब ये काम करना कैसे होता है, आप इसको पहले एडिट करेंगे, तो एडमिन पैनल पे खोलेंगे, अगर वर्डप्रेस पे वेबसाइट बनाई है तो जाहिर सी बात है खुद से कर लोगे, लेकिन अगर कस्टम कोडेड वाली वेबसाइट है तो आपको डेवलपर की हेल्प लेनी पड़ेगी, और वो डेवलपर ही जो है ना वो बदले में आपको इंटीग्रेट करके देगा, आपको उसको एक कोड देना पड़ेगा, वो खुद करके देगा, क्योंकि कोडिंग के दौरान आप खुद तो कर नहीं पाओगे। तो इसीलिए ये कहा जाता है कि डिजिटल मार्केटिंग के पूरे सफर के दौरान जगह जगह पर और बार बार वेबसाइट की जरूरत पड़ती है, और बिना वेबसाइट के कुछ नहीं होने वाला है, इसलिए डिजिटल मार्केटिंग के अंदर वेबसाइट डेवलपमेंट हमेशा वर्डप्रेस से या किसी टूल से ही सिखाया जाता है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो कि नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड से होते हैं उनको दिक्कत होती है, फिर कोडिंग
कोडिंग वगैरह करने में, तो उनको नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड में वर्डप्रेस इसीलिए सिखाया जाता है ताकि वो खुद से वेबसाइट का सारा काम कर ले, ठीक है ना। यहाँ से आप पेज ओपन कर लीजिए जिस पेज पर आपको वो वाला कोड लगाना है। पेजेस पे जाइए, मान लीजिए हम यहाँ से जा रहे हैं किस पे, कॉन्टेक्ट अस वाले पेज में, और यहाँ से क्या करेंगे, एडिट विथ एलिमेंटोर। जब आप लोग डब्ल्यूपी फॉर्म या कॉन्टेक्ट फॉर्म वगैरह का यूज कर रहे थे तो आप लोग एक शॉर्ट कोड लेके आते थे और शॉर्ट कोड वाली विजिट यहाँ डाल देते थे, शॉर्ट कोड के यहाँ पेस्ट करते थे। लेकिन अब की बार विजिट किस चीज की डालोगे, एचटीएमएल। यू हैव टू टेक द विजिट ऑफ एचटीएमएल। आपको विजिट किस चीज की लेनी है, एचटीएमएल की विजिट लेनी। मैं बता रहा हूँ कैसे करना होता है इस काम को। यहाँ पे क्लिक करिएगा और यहाँ जाके सर्च कर लीजिएगा एचटीएमएल, मिल गया ना एचटीएमएल। आप इस एचटीएमएल को यहाँ पे रख दीजिए, कोई दिक्कत। वो जो कोड आपने कॉपी करा है वो कोड यहाँ पेस्ट कर दीजिए। अगर सारा काम बिल्कुल सही हुआ तो देख रहे होगे यहाँ पे फॉर्म आ जाए, अपडेट कर दो इसको यहाँ से। तो बहुत सारे अलग अलग रास्ते हैं, आप चाहो तो अपने होम पेज पे कोई पॉपअप विंडो दे सकते हो, उस पॉपअप विंडो में फॉर्म दे सकते हो कि कोई भी आएगा फॉर्म भरेगा, ऑटोमेटिक उसका डेटा मेलचिप में पहुंच जाएगा। तो पॉपअप बनाना भी वेबसाइट के ऊपर अभी आप लोग को सिखाया जाएगा, लेकिन बहुत सारे लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं हमसे तो उनको आता होगा ये। हालांकि बहुत अच्छा रास्ता है कि आप पॉपअप में ही कस्टमर से उसकी डिटेल कलेक्ट कर लें। कॉन्टेक्ट अस पे जाइए, नीचे आ जाइए, देखिए यहाँ पे डिटेल भरनी है हमको ना। तो यहाँ पर मैंने फॉर एग्जाम्पल डाल दिया प्रवीण, और रैंडम कोई भी एक नंबर डाल दे रहा हूँ, प्रवीण लास्ट नेम मैंने गुप्ता कर दिया, फोन नंबर डाल देते हैं, ठीक ठीक है, सब्सक्राइब कर दे, लिख के आ गया ना, थैंक यू फॉर सब्सक्राइबिंग। ये कस्टमर भी ऑटोमेटिक अगर आप देखोगे तो आपके मेल लिस्ट में ऐड हो चुका है। यहाँ से ऑडियंस में जाओ, ऑल कॉन्टेक्ट में जाओ। सो इन दिस वे यू कैन कलेक्ट द डिटेल्स ऑफ योर कस्टमर ऑल्सो। नाउ यू कैन सी हियर, डिटेल आ गई ना उसकी यहाँ पे, और इसका सोर्स क्या है, इससे आपको ये भी पता चल जाएगा। जैसे यहाँ पे लिख के आ रहा है होस्टेड साइन अप फॉर्म, इसका मतलब ऑटोमेटिक समझ जाओ ना कि आपने किसी को लिंक दिया होगा, उस लिंक के थ्रू ये डेटा आया मेरे पास। एम्बेड फॉर्म का मतलब आपने जो फॉर्म एम्बेड करा है, अब जहां पे भी किया वो तो आपको सोचना पड़ेगा, ठीक है ना। लिस्ट इंपोर्ट फॉर्म सीएसवी, मतलब ये एक्सेल से है। एडमिन ऐड का मतलब ये आपने इंडिविजुअली खुद किया है। तो इतने लोगों का डेटा फिलहाल हमारे पास आ चुका है, योर ऑडियंस हैज 10 कॉन्सेंट। सो मैंने लगभग आपको बहुत अलग अलग तरीके से चीजें समझा दी किस तरीके से आप लोग डेटा कलेक्ट कर सकते हो। होपफुली यहाँ तक सबको क्लियर हो। अब यहाँ पर एक ऑप्शन आता है ऑटोमेशन का, तो ऑटोमेशन में जाकर के आप ओवरव्यू ले सकते हो कि कितने वेलकम कॉन्टेक्ट आप लोगों ने सेंड करे, या फिर कितने हैप्पी बर्थडे आपने सेंड करे। अगर आप चाहें तो ऑटोमेशन में जाकर के यहाँ से चीजें ऑटोमेट कर सकते हो। जैसे आपके रिकवर, आपको क्या अपने लॉस्ट कस्टमर जो कि बहुत दिनों से आपका मेल वगैरह ओपन नहीं कर रहे हैं, आपको उनको रिकवर करना है, उनको आपको भी एक ऑफर भेजना है, तो रिकवर लॉस्ट कस्टमर में चले जाओ। अगर आप ये चाहते हो कि आपको कस्टमर का बर्थडे सेलिब्रेट करना है तो आपको ये ऑप्शन लेना होगा। जैसे कि हमने यहाँ से लिया सेलिब्रेट कस्टमर बर्थडे, कोई दिक्कत। अब एक चीज समझिएगा, यहाँ पर क्या कह रहा है, कॉन्टेक्ट इज एडेड अ सेट टाइम बिफोर देयर बर्थडे। यहाँ पे एक काम करिए, आपको करना बेसिकली कुछ भी नहीं है, आप एक काम करिए, यहाँ पे यूज दिस जर्नी पे क्लिक करिए, कंटिन्यू पे जाइए, ठीक है ना। यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है चूज अ डेट टू फिल्टर हु कैन एंटर, तो फिल्टर कर लो, ऐड फिल्टर पे जाओ। मैंने यहाँ से कहा लोगों के बर्थडे के हिसाब से फिल्टर करना, जिनका मंथ क्या है, मंथ इज या डेज, मैं तारीख के हिसाब से भेज सकता हूँ, ये डेली बेस पे हमको करना पड़ेगा ना फिर। कि आज मान लीजिए कि हम कहते हैं जिनका था बर्थडे 21 तारीख को होगा उनको जाना चाहिए। इज में जाओ, बर्थडे इन MMDD फॉर्मेट इज ब्लैंक, मतलब सभी को, इज नॉट ब्लैंक मतलब खाली मंथ, मैं यहाँ पे ले लेता हूँ फॉर एग्जाम्पल। यहाँ पर इसके नीचे क्यों नहीं आ रहा, जस्ट आना, ठीक है, नवंबर मैंने चूज किया, ठीक है। और यहाँ से सेव सेगमेंट कर लेना, यानी मैं उन लोगों को बर्थडे विश भेजना चाहता हूँ जिनका नवंबर में बर्थडे होता है। तो क्रिएट एन ईमेल, यहाँ पे क्लिक करो, टू एंड फ्रॉम जाके यहाँ से सेट करो, एड पे जाओ, टू फील्ड, उनके ईमेल एड्रेस पे भेजेंगे। फ्रॉम नेम किस नाम से जाएगा, मैंने यहाँ दे दिया लक्ष्य IT सॉल्यूशंस के नाम से जाएगा, ठीक है। और किस ईमेल आईडी से जाएगा, सेव कर। सब्जेक्ट क्या रहेगा, 50% डिस्काउंट ऑन योर बर्थडे, ठीक है।
प्रीव्यू टेक्स्ट में क्या लिखेंगे? हे व्हाट सर, वी आर गिविंग यू 50% डिस्काउंट ऑन एनी कोर्स ऑन द ओकेजन ऑफ योर बर्थडे, कॉल फॉर मोर डिटेल्स, कॉल फॉर मोर डिटेल्स, ठीक है, सेव करो। शेड्यूल एवरी डे एज सून एज पॉसिबल, इसका शेड्यूल बनाओ एवरी डे, मतलब किसी भी दिन, एज सून ओनली सेंड बिटवीन, कोई टाइम डिसाइड करना है नहीं, एज सून एज पॉसिबल, मतलब जब हम बोलेंगे तब चला जाएगा, सेव कर देते हैं। और यहां से आपको सेलेक्ट अ टैम्पलेट, एक टैम्पलेट बनानी होगी, टैम्पलेट तो बनाना बताया था उस दिन। अब टैम्पलेट में बैनर वगैरह ऐड करना है, ग्राफिक ऐड करना है, ये सब तो आप लोग का काम है। टैम्पलेट डिजाइन करना है, इट्स ऑल अबाउट योर वर्क। जैसे मैंने इसको इस टैम्पलेट पर अप्लाई कर दिया, यहाँ पे आप फोटो लगा दीजिए ना बर्थडे से रिलेटेड, समझ आ रही मेरी बात? जैसे 80% सेल का है, इसी तरीके से आपको 50% सेल का बना सकते हैं। ठीक है, यहां पे जाइए, ऐड पे जाइए, अपलोड करिए इमेज को, फिर यहां पे जाइए, ऐड पे जाइए, अपलोड करिए इमेज को, क्लियर? यहां पर जो भी कुछ डालना है वो तो आपको पता है कि यहां से आप हेडिंग वेडिंग डाल सकते हो। आप ये हेडिंग लीजिए, यहां पे ड्रॉप ड्रॉप करिए, ये मैंने लिखा सेलिब्रेट योर बर्थडे विथ LITS फैमिली, ठीक है ना, और चाहो तो इसको थोड़ा छोटा कर दो, ठीक है, और कोई वीडियो दे सकते हो या फिर कोई बटन, पैराग्राफ, ऐड बटन टेक्स्ट में हमने यहाँ पे अपनी वेबसाइट का या डायरेक्ट फोन नंबर दे दिया, कोई दिक्कत? और यहाँ पे मैंने लिख दिया कॉल कॉल अस नाउ, क्लियर है? बाकी तो कर लोगे ना सेट, सेव एंड, ये प्रीवियस क्लास में सिखाया जा चुका है, ठीक है। ऐड टैग रिसीव बर्थडे ऑफर, तो टैग में हम क्या डाल सकते हैं, रिसीव्ड बर्थडे ऑफर, ठीक है। अब बस यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है सेंड टेस्ट ईमेल्स, अभी यहाँ पर एक दो लोगों की ईमेल में हम भेजते हैं और उसको यहाँ चेक करेंगे, ठीक है। मैं अभी अपनी एक ईमेल में भेज देता हूँ ताकि तुम लोगों को स्क्रीन पे दिखा सको, ठीक है ना। बस यहाँ पर मैंने अपनी मेल डाली जिसको भेजना था सेंड टेस्ट, या फिर आपके पास जो डेटा अवेलेबल है उस डेटा पर आप भेज दीजिए, ठीक है, ओके करा। अभी जरा मेल को हमारी चेक करो, ये देखो आ गया कि नहीं आ गया, समझ में आया? ये मैंने एक सुबह भी एक ट्रायल ईमेल भेजा था जब मॉर्निंग में एक क्लास ले रहा था मैं ऑनलाइन, देखो आ रहा है ना, समझ में आया? नाउ दिस इज द वे हाउ कैन यू कैप्चर योर कस्टमर, यू और यू कैन नर्चर योर कस्टमर, ओके, सो दिस इज द पॉइंट। अभी आप चाहो तो यहाँ पर ये अलग अलग ऑप्शंस हैं ऑटोमेशन के, आप लोग इनको देखिएगा। इसी की तरह से एक एक्टिव मेल करके भी, एक एक्टिव कैंपेन करके भी प्लेटफॉर्म है, उसका कैसे इम्प्लीमेंटेशन होगा उसको भी आप ट्राई करिएगा, सेम जैसे मेलचिम काम करता है वैसे वो प्लेटफॉर्म भी काम करता है, यू कैन यूज दैट प्लेटफॉर्म विथ योर सेल्फ ऑल्सो ना, ठीक है। और यहाँ पे आप अपनी वेबसाइट स्टोर वगैरह भी बना सकते हो, और रिपोर्ट्स वगैरह आपको यहाँ देखने को मिल जाएंगे, जो भी आपकी रिपोर्ट्स होंगी, क्या आपके पास रिस्पॉन्स आ रहा है, क्या फीडबैक्स आ रहे हैं, किस कैंपेन से आपको कितना बेनिफिट मिला, ये सारी चीजें, ठीक है, तो ये सब आप यहाँ से जज करिएगा। ठीक है, इस तरीके से कुछ डेटा आपको देगा बना करके,
हाँ यहाँ पे एक ऑप्शन आता है प्री बिल्ड जर्नी, कि कस्टमर को प्री बिल्ड कैसे करना चाहिए। सबसे पहले वेलकम करो नए कस्टमर का, उसके बाद तो उन देखो सारे ऑप्शन दिए हुए ना, फाइंड न्यू कॉन्टेक्ट विद फेसबुक लीड एड्स वगैरह, मतलब कैसे नए कस्टमर फाइंड आउट करोगे। तो सबसे पहले कस्टमर का वेलकम करना बेहद जरूरी है। तो वेलकम कैसे करोगे, यही जर्नी है, यूज दिस जर्नी कर लेना, हो जाएगा। जैसे अभी बर्थडे वाला बताया वैसे ये वाला करके देख लेना, और सारे एक बार टेस्ट करके देखना। आप लोग एक बार इस पूरे प्रोसेस को यूज करके देखो, ठीक है ना। उसके बाद फिर मैं भी एक क्लास लूंगा जिसमें कि आप लोगों को देख लूंगा कि आप लोगों ने क्या वर्क किया और कैसे वर्क किया है, ठीक है। तो अभी फिलहाल सारे ऑप्शन मैंने हाँ लगभग मेलचिम के अंदर के बता दिए, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है, ठीक है। यूज करते रहो, समझते जाओगे, सीखते जाओगे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।